हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं 25 प्रश्न वाली प्रैक्टिस सेट श्रृंखला, जिसमें आप सभी को 25 प्रश्न प्रतिदिन हल कराए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 7 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत है? ए चित्रकला, बी छापाकला, सी पुष्प संयोजन, डी पॉटरी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी छापाकला। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा छापाकला। वुडकट तकनीकी छापाकला के अंतर्गत है। छापा चित्रण करने के लिए कई पद्धतियां हैं, जिनमें एक पद्धति रिलीफ प्रोसेस भी है। इसके अंतर्गत वुडकट तथा लिनोकट आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनले, बी इंटेन को, सी इंट्यूशन, डी इंटेग्लियो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इंटेग्लियो। उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? इंटेग्लियो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्कीर्ण छापा चित्र को इंटेग्लियो कहते हैं। इसका अर्थ है जड़ाऊ काम। इंटेग्लियो का अर्थ अंतिम पलस्तर है। इंट्यूशन का अर्थ है अंतर्ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मोजैक से, बी फ्रेस्को से, सी टेम्परा से, डी इचिंग से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इचिंग से। ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? इचिंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुद्रण के क्षेत्र धातु के प्लेट पर आकृतियों को उकेर कर छपाई की जाती है। ग्राफिक विधियों में इचिंग एक प्रसिद्ध विधि मानी जाती है। इसमें धातु के प्लेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? ऑप्शन ए लिनोकट, बी लिथो प्रिंट, सी एचिंग, डी इनग्रेविंग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इचिंग में धातु यानी जस्ते की चादर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान समय मुद्रण के क्षेत्र में कई विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें सबसे प्रचलित विधि एचिंग मानी जाती है, जिसमें जस्ते की चादर की प्लेट बनाकर छपाई की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए छापा चित्र से, बी मुद्रण से, सी ओलियोग्राफ से, डी मूवेबल टाइप से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुद्रण से है। प्री प्रेस तकनीक का संबंध जो है मुद्रण से है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्री प्रेस तकनीक का संबंध मुद्रण से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। कार्डबोर्ड एक प्रकार है इसका? ए साइन बोर्ड का, बी पेपर बोर्ड का, सी प्रिंटिंग बोर्ड का, डी विजिटिंग बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कार्डबोर्ड एक पेपर बोर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेपर बोर्ड कार्डबोर्ड एक प्रकार का पेपर बोर्ड है होता है। पेपर बोर्ड एक शीट पेपर बेस्ड सामग्री है। पेपर बोर्ड और कार्डबोर्ड के बीच कोई बेसिक अंतर नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। लिथोग्राफ किस कला की विधा है? लिथोग्राफ जो है वह किस कला की विधा है? ऑप्शन ए ग्लास पेंटिंग, बी म्यूरल पेंटिंग, सी ग्राफिक कला, डी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग्राफिक कला। लिथोग्राफ जो है वह कला की किस विधा है? तो लिथोग्राफ कला की विधा है। लिथोग्राफी मुद्रण की एक प्रसिद्ध तकनीकी है, जिसमें पत्थर पर चित्रों को उकेर कर छपाई की जाती है। यह विधा प्लेनोग्राफी की विधा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। लिथोग्राफी क्या है? ऑप्शन ए छाया चित्रण फोटोग्राफी की एक तकनीकी, बी धातु के मूर्ति शिल्प की रंगांकन पद्धति, सी प्रिंट मेकिंग की एक विधा, डी लेखन पद्धति की एक भाग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी
प्रिंट मेकिंग की एक विधा है। लिथोग्राफी प्रिंट मेकिंग की एक विधा है। प्रिंट मेकिंग की एक विधा लिथोग्राफी प्रिंट है मेकिंग की एक विधा है। लिथोग्राफी मूल रूप से तेल वाश के साथ एक चिकनी स्तरीय लिथोग्राफी चूना पत्थर प्लेट की सतह पर खींची गई छवि का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9। HB का क्या अर्थ है? HB का क्या अर्थ है? ए कठोर काला, बी उच्च काला, सी उच्च नीला, डी कठोर नीला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए यानी कठोर काला। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कठोर काला। कठोर काला HB का अर्थ है कठोर काला होता है। HB का फुल फॉर्म हार्ड ब्लैक होता है जिसका अर्थ कठोर काला ही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10। जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है जिसे आसानी से मिटाया जाता या जा सकता है वह क्या है? ऑप्शन ए लेह, बी ग्रेफाइट, सी मिट्टी, डी मोम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका प्रयोग किया जाता है जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है ग्रेफाइट है। इसे काला शीशा या प्लम्ब बागों की कहा विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11। इंटेग्लियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप क्या है? इंटेग्लियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप क्या है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटिंग, बी होलोग्राफ प्रिंटिंग, सी थर्मोग्राफी प्रिंटिंग, डी ग्रेब्यूर प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ग्रेब्यूर प्रिंटिंग। ग्रेब्यूर प्रिंटिंग इंटेग्लियो प्रिंटिंग का एक व्यावसायिक रूप ग्रेब्यूर प्रिंटिंग है। उत्कीर्ण सतह में स्याही भरकर छापने की क्रिया इंटेग्लियो प्रिंटिंग कहलाती है। यह एक नक्काशी की प्रक्रिया है जिसमें स्याही को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12। टाइपोग्राफी में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? टाइपोग्राफी में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन ए विलियम कैसलोन, बी सिमोन फोरनीर, सी थॉमस बिविक, डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विलियम कैसलोन। विलियम कैसलोन टाइपोग्राफी में एक मुख्य योगदान विलियम कैसलोन का है। यह एक अंग्रेजी टाइप फाउंडर था। उसने टाइपफेस ने अंग्रेजी प्रकार के डिजाइन को बदल दिया और पहले एक अंग्रेजी राष्ट्रीय टाइपोग्राफी शैली की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सी भित्ति चित्रण की विधा नहीं है? ए ब्रूनो फ्रेस्को, बी सेको फ्रेस्को, सी टेम्परा, डी सेरीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सेरीग्राफी जो विधा है यह भित्ति चित्रण की विधा नहीं है, यह छापा कला यानी ग्राफिक आर्ट की विधा है। सेरीग्राफी टेम्परा फ्रेस्को सेस्को और ब्रूनो फ्रेस्को की भित्ति चित्रण की विधा है जबकि सेरीग्राफी एक स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीकी है जहां एक सबस्ट्रेट पर स्याही को स्थानांतरित करने के लिए एक जाली का उपयोग किया जाता है यानी जो सेरीग्राफी है या स्क्रीन प्रिंटिंग के अंतर्गत यानी ग्राफिक कला के अंतर्गत ही आता है मूल रूप से, पर इसका भी एक अलग शैली है सेरीग्राफी का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14। डिजाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए सौंदर्यकरण के लिए, बी निश्चित आकार देने के लिए, सी सरलीकरण के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सरलीकरण के लिए। डिजाइन की रचना में ज्यामिति आकारों का प्रयोग किया जाता है। सरलीकरण के लिए डिजाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग सरलीकरण के लिए किया जाता है। ज्यामिति गणित की तीन शाखाओं में से एक है। इसमें बिंदुओं रेखाओं तलों और ठोस चीज़ों के गुण स्वभाव
मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। दो रंगों को कोमलता से कैनवास पर तूलिका में मिश्रित करने की विधा को कहा जाता है। ऑप्शन ए हैचिंग, बी ग्वास, सी ब्लेडिंग, डी वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ब्लेडिंग। ब्लेडिंग दो रंगों को कोमलता से कैनवास पर तूलिका में मिश्रित करने की विधि को ब्लेडिंग कहते हैं। ब्लेडिंग का अर्थ है सम्मिश्रण होता है और इसमें दो रंगों का सम्मिश्रण कराकर कैनवास पर उतारा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। उत्कीर्ण सतह में स्याही भरकर छापने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए एचिंग, बी डनप्रेविंग, सी प्लेनोग्राफी, डी इंटेग्लियो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंटेग्लियो। उत्कीर्ण सतह में स्याही भरकर छापने की विधा को कौन सी क्रिया कहलाती है? इंटेग्लियो क्रिया। इंटेग्लियो उत्कीर्ण सतह में स्याही भरकर छापने की क्रिया है ही इंटेग्लियो कहलाती है। इंटेग्लियो प्रक्रिया में पूरी प्लेट को स्याही से लिपटा जाता है, इससे सतह साफ हो जाती है और रिक्तियों की स्याही को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। एंटीनर्स क्या है? एंटीनर्स क्या है? एंटीसरण क्या है? सॉरी एंटीसरण क्या है? ऑप्शन ए चित्र धरातल की आउटलाइन, बी चित्र माध्यम, सी चपटा ब्रश, डी चित्रकला शैली। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चित्र धरातल की आउटलाइन को एंटीसरण कहते हैं। चित्र धरातल की आउटलाइन एंटीसरण चित्र धरातल की आउटलाइन है। एंटीसरण के माध्यम से ही चित्र को धरातल पर उकेरा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। कैलीग्राफी सुलेख एक कला है। ए ड्राइंग की, बी संयोजन की, सी मुद्रण की, डी लेखन की। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कैलीग्राफी एक कला है, सुलेख यानी लेखन की। लेखन की कैलीग्राफी सुलेख लेखन की कैलीग्राफी सुलेख यानी लेखन की एक कला है। सुलेख का अर्थ अच्छी लिखावट, सुंदर लेख व सुंदर हस्तलेख होता है, अतः कैलीग्राफी का संबंध सुंदर लिखावट से है। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। नाइट्रिक एसिड किस धातु में एचिंग के लिए प्रयुक्त होती है? नाइट्रिक एसिड जो है वह किस धातु में एचिंग के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी जिंक। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जिंक। जिंक नाइट्रिक एसिड जिंक धातु में एचिंग के लिए प्रयुक्त होती है। नाइट्रिक एसिड एक अत्यंत संरक्षक खनिज अम्ल है। इसे एक्वा फोसिट और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं। कीमियागारों को नाइट्रिक अम्ल का ज्ञान था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। एक्वा टिंट पद्धति में प्रयोग किया जाता है। ए गोंद, बी रेत, सी रेजिन, डी जिंक पाउडर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रेजिन का प्रयोग किया जाता है। एक्वा टिंट पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? रेजिन का। रेजिन एक्वा टिंट पद्धति को प्रयोग रेजिन में किया जाता है। रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से निकलता है। रेजिन का प्रयोग गोंद, वार्निश, सुगंध व अगरबत्तियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। तुलिका नाइफ या स्पैटुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों के प्रयोग की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इम्पेस्टो, बी फ्राटेज, सी टॉन किंग्स, डी ब्लेडिंग। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इम्पेस्टो। तुलिका नाइफ या स्पैटुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों का प्रयोग विधि को क्या कहा जाता है? इम्पेस्टो कहा जाता है। इम्पेस्टो चित्रकला में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीकी है जिसमें बहुत मोटी परतों में सतह के एक क्षेत्र पर पेंट की बिछाया जाता है। आमतौर पर इतना मोटा होता है कि ब्रश या पेंटिंग चाकू से स्ट्रोक दिखाई देता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को चित्र में उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मार्किंग, बी मिक्सिंग, सी ग्लेजिंग, डी हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हैकिंग। हैकिंग पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश को प्रभाव को चित्र में उत्पन्न करने की विधि हैकिंग कहलाती है। हैकिंग एक कलात्मक तकनीकी है जिसका उपयोग पेंटिंग द्वारा बारीकी से छायांकन प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23। छापा चित्र शैली में प्लेनोग्राफी को कहा जाता है। ए स्क्रीन प्रिंटिंग, बी एचिंग, सी वुडकट, डी लिथोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लिथोग्राफी। छापा चित्र शैली में प्लेनोग्राफी को लिथोग्राफी कहा जाता है। उत्कीर्ण छापा चित्र को इंटेग्लियो कहते हैं। वुडकट तकनीकी छापाकला के अंतर्गत आती है। मैट्रिक्स छापने वाली सतह है। वस्त्रों की छपाई के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकी एक्रेलिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24। चारकोल किससे बनता है। ए कैल्शियम, बी लकड़ी, सी HB, डी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चारकोल जो है वह लकड़ी से बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चारकोल लकड़ी से बनता है। चारकोल ठोस पदार्थ है जो लकड़ी, हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल और अन्य वाष्पीकरण पदार्थों को निकालकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसे लगते हैं प्रश्न और कैसे लगती है क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए लय, बी एकता, सी विरोधाभास, डी सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सृजनात्मकता यानी ऑप्शन डी सही होगा। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। जब सृजनात्मक विचार तैयार एवं स्वीकृत हो जाता है तो इसे रूप में परिवर्तित किया जाता है और डिजाइन के दृश्य रूप का सृजन किया जाता है। दृश्य रूप के सृजन में मुख्यतः अंतःबोधपूर्व का अनुभव और प्रचलित मूल्य महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।